यूपी चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी प्रियंका गांधी, नेताओं से की चर्चा, राज्य का दौरा भी करेंगी प्रियंका गांधी। हिमाचल में कुदरत का कहर, पीएम मोदी और अमित शाह ने ली हालात की जानकारी, एनडीआरएफ की टीमें हुई रवाना। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में केंद्र सरकार, 6 अगस्त को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर हो सकती है चर्चा। एटीएस के ऑपरेशन पर मायावती ने उठाए सवाल, चुनाव से पहले ही क्यों होती है इस तरह की कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से आई बाढ़ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की कड़ी नजर, पीएम मोदी ने कहा दी जा रही है हर संभव मदद। स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। कौशाम्बी जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला अधिकारी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उसके बाद अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने सभी जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई। सभी सदस्यों ने मंच पर एक साथ शपथ ली। जनपद में 26 जिला पंचायत सदस्य है। शपथ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अध्यक्ष और सभी जिला पंचायत सदस्यों को बधाई दी। मंच से बोलते हुए कहा कि इस बार जनता ने युवाओं को अवसर दिया है, चाहे वो जिस भी पार्टी से हो, अब वो एक टीम के सदस्य हैं, सभी को मिलकर जन कल्याण का काम करना चाहिए। जी, कौशाम्बी जनपद का विकास मेरा मुख्य लक्ष्य होगा, ठीक है, और जितनी भी सरकारी योजनाएं आएंगी मैं उनको पूरी विश्वास के साथ, जनता का अपना विश्वास बना के रखूंगी, और जितना भी विकास आएगा मैं जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी, और अपना कर्तव्य जनता के लिए निर्वाहन करूंगी। जी, कौशाम्बी के लिए जितना भी विकास आएगा, जैसे सफाई है, रोड है, नाली है, सौर ऊर्जा है, मैं पूरी तरह जनता तक पहुंचाने का समान रूप से प्रयास करूंगी। बीजेपी के पुराने जो कार्यकर्ता है बीजेपी, उनके लिए क्या करेंगे आप? जो भी हो सकता है मैं पूरा सबके लिए अपना सहयोग प्रदान करूंगी, सबका साथ सबका विकास। सदस्यों को किस तरीके से काम दिया जाएगा? सदस्यों को भी दिया जाएगा, समानता के अधिकार पर लेंगे, ठीक है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, समानता। जी, नाम बताइए। मेरा नाम है कल्पना सोनकर। उत्तर प्रदेश के इटावा एकदिल में चंबल घाटी विमोबा भावे राष्ट्रीय मिशन की विशाल बैठक का रविदास वाल्मीकि आश्रम पर आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लेवल से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें चंबल घाटी मिशन की 20 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा हुई। चंबल घाटी विमोबा भावे मिशन की स्थापना सन 1960 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। मिशन के पदाधिकारी ने कहा, विमोबा जी ने हमेशा गरीबों और पीड़ितों पर हो रहे अत्याचार और शोषण को रोकने के लिए हमेशा संघर्ष किया है। गीतम सिंह राजपूत ने कहा, जनपद में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार रोकने के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से लिखित प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, लेकिन जनपद में बैठे भ्रष्ट अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय सचिव का कहना है, अगर जनपद इटावा में पीड़ितों को न्याय न मिला तो इटावा से साइकिल रैली निकाल कर राष्ट्रपति भवन जाकर घेराव करेंगे। मौके पर पहुंचे एकदिल नगर पंचायत के ईओ अनिल कुमार मौर्य ने पहुंचकर एक वृक्ष लगाकर लोगों को जागरूक भी किया। ऑक्सीजन की समस्याओं को लेकर हर कोई वृक्षारोपण करे, मिशन के कार्यकर्ताओं ने मास्क वितरण भी किया। छत्री, मैं गीतम सिंह राजपूत चंबल घाटी विनोबा भावे राष्ट्रीय मिशन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं अपने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप लोग जे करना कहें, जो कहना चाहते हैं कि 20 सूत्री लागू उसी दिन हो गए जिस दिन संस्था रजिस्टर्ड हुई। संस्था जिस दिन रजिस्टर्ड हुई, जो उसमें 20 सूत्र लिखे हैं उसी दिन सरकार के यहाँ से लागू हो गए, लेकिन लागू है चलवाना अपना काम है। हमारे कार्यकर्ताओं को केवल उनकी छाती पर चढ़ के लागू करके चलवाना, अपना काम उनके सामने रखना या उनसे जबरदस्ती करवाना, ये हमारा अधिकार है। ये किसी से मतलब, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है कि हमारे लागू नहीं है। जिस दिन संस्था रजिस्टर्ड हुई, विनोबा जी के ज़माने में संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी। विनोबा जी के ज़माने में क्योंकि वे स्वतः सर्वे सर्वा मालिक थे, देश को चलाने वाले थे। जो भी प्रधानमंत्री होता था विनोबा जी को पहले शरण में अपने पास बैठाल के बात रख उनकी सुनता था, कार्य करता था, तो विनोबा जी को रजिस्टर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर विनोबा जी के न रहने पर जब हमारे दूसरे अध्यक्ष रणवीरानंद जी आए तो उन्होंने इस संस्था को रजिस्टर्ड करवा दिया, और रजिस्टर्ड होने पर जिस दिन रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र मिला उसी दिन तुम्हारे 20 सूत्री लागू हो गए शासन से। उसी दिन कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी चीज़ हो, जिसका जिस दिन रजिस्ट्रेशन, जिस दिन सरकार के यहाँ उसका पत्रावली पहुँच जाती है, उसकी सारे कानून उसी दिन से लागू हो जाती है सरकार के यहाँ से।
जब लागू हो जाती है तो हमारे 20 सूत्री तत्काल प्रभाव से लागू है और उस पर हमारी सरकार भी कार्य कर रही है। जिसको मैं लिखित देता हूँ 20 सूत्री के अंतर्गत, वो अधिकारी मुझे जवाब देता है, पर जवाब सुनिश्चित और सही तरीके से नहीं देता है। देता है पर सही जवाब नहीं देता है। मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। मैं भारत राष्ट्र का कोई भी काम, कहीं भी कोई भी प्रदेश का कहीं का भी काम हो, उस काम को करवा के ही प्रण छोड़ूंगा। फिरोजाबाद सिविल लाइन रोड स्थित जिला पंचायत कार्यालय पर आज नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सिंह को जिला अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने शपथ दिलाई। उनके साथ साथ जिला पंचायत सदस्यों ने भी शपथ ली। मीडिया से बात करते हुए नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सिंह ने बताया कि सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, जनता की समस्याओं को प्रमुखता से सुन उनका निदान कराया जाएगा। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों को पढ़ाने को लेकर संदेश दिया कि एक महिला बेटी को अगर आप पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे तो आगे चलकर वो आपका ही नाम रोशन करेंगी। इस दौरान मंच पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह मोती, प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, विधायक हरिओम यादव और भाजपा के कई विधायकगण मौजूद रहे। प्रेरणा तो पहले मैं यहाँ की जनता को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस पद पे विराजमान किया है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ और आपके द्वारा जो भी समस्याएं हैं हम उसका समाधान निकाल सकें। और संघर्ष और आपने जो अपना विश्वास दिखाया है हमारे अंचल में बैठे हुए अंतिम मतदाता से लेकर के जनपद केंद्र पर बैठे हुए विभिन्न पदाधिकारियों के प्रयत्नों के चलते, जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयत्नों के चलते और हर्षिता सिंह जी ने संबंधित जो समस्याएं होती हैं बड़े आकर रोड पे हो या कुछ लाभ पानी या चीजों की परेशानियां होती उस को किस तरह से समावेश करना चाहेंगे इसका जी। इसके लिए हम अलग अलग समिति गठित करेंगे, जो जो भी समस्याएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हमें देंगे हम उसका पूरा पूरा समाधान निकालेंगे और जो भी इससे रिलेटेड जो भी माने राजेंद्र प्रताप सिंह जो भी हमें स्कीम्स गवर्नमेंट को प्रपोज करनी है या गवर्नमेंट को प्रस्ताव रखनी है तो हम जनता की आवाज बनेंगे और ये प्रस्ताव सरकार के सामने रखेंगे कि हमें ऐसी स्कीम्स के क्षेत्र में जरूरत है, आप कृपा करके ऐसी स्कीम्स यहाँ के क्षेत्र के लिए निकालें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान दयाशंकर सिंह साहब काफी समय से आप प्रथम बार आई हैं और जिस तरह से और कहा जाता है प्रताप सिंह जी जहाँ बहुत दूर दूर तक विकास नजर जिनके यत्नों के चलते हर्षिता सिंह जी उनके घर की बहू ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। ऐसे घराने से नहीं हूँ लेकिन अब ये मेरा ससुराल पक्ष बहुत पहले से राजनीति में एक्टिव रहा है, यहाँ के लोगों के प्रति सेवा में बहुत पहले से समर्पित है। मेरे घर के मेरे पापा जी, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरे भैया सब लोग ने जनता की अब तक सेवा की और आगे भी मुझे भी ये प्लेटफॉर्म दिया गया है कि मैं भी आगे बढ़ूं और जनता के लिए कुछ कर सकूं। और जो भी बहुत रिमोट एरिया है जहाँ तक अभी तक सरकार की दी हुई जो भी निधि थी या जो भी उनकी स्कीम्स आई थी जिसका लाभ लोगों तक नहीं पहुँचा है, हम पहले उन्हीं क्षेत्रों से शुरू करेंगे कि इसका लाभ ज्यादा ज्यादा पहले वहाँ से शुरुआत किया जाए, वहाँ के लोग पहुँचाया जाए, फिर बाकी क्षेत्रों जनपद की जनता को आज शपथ ग्रहण समारोह के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहिए। जी ये जीत हमारी नहीं है, जनता की जीत है क्योंकि उन्होंने ही हमें सपोर्ट किया और आज हमें इस पद पे बैठाया है महापौर। और ये गढ़ पहले सपा का था, अब आपने बीजेपी पे भरोसा दिखाया है तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि आगे भी आपका साथ बना रहे और हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे। खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा में पेट्रोल पंप का कैश लेकर जा रहे कर्मचारी को सोमवार सुबह हाईवे पर बदमाशों ने निशाना बना लिया। थलेसर के पास झाड़ियों में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने रिवाल्वर तानकर कर्मचारी से 5,23,00,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक कर रही है जिसमें पुलिस को झरना नाला के पास ओरिएंटल प्लांट के पास से बदमाशों की बाइक बरामद हो गई है। बाइक पर नंबर प्लेट नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि दो बाइक पर आए बदमाश अपनी दोनों बाइकों को यही छोड़कर झरना नाला के जंगल में भाग गए हैं। पुलिस अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बदमाशों की तलाश में जुट गई है। राज ऑटो से जा रहे थे चिटगन वहाँ पे संजय पैलेस। अच्छा क्या घटना हुई थी? बदमाशों ने रिवाल्वर दिखा के धक्का मारा, धक्का मार के एकदम स्कूटर लेके भाग गए। पैसे के ले गए क्या? कितने रुपए ले गए? 5,23,000। 5,23,000 किस पर सवार थे बदमाश? मोटरसाइकिलों पर। तो आप कहाँ लेके जा रहे थे पैसे? संजय पैलेस। आप किस पे थे? मैं स्कूटर पर। अच्छा उसके बाद आप कितने बदमाश थे और किस पे थे? 4 बदमाश थे। हाँ मैं अकेला था। हाँ
पंप गेट ना आपके आगे जो रसोई रतन होटल है ना। हाँ जी जी, कहा किस चीज़ के पैसे थे और कहाँ ले जा रहे थे आप? राज ऑटो बिक्री के पैसे थे जी, जो डीजल पेट्रोल बिकता है उसमें। तो आप क्या काम करते हैं? मैं कुछ भी मान लो लेबर मुनी कुछ भी मान लो। किन के यहाँ पर लेबर है? राज ऑटो के यहाँ। राज ऑटो ये कहाँ पर है? ये छले सर पर है, राज रसोई के बगल में। जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव माड़ई में सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक को गांव के ही लोगों ने गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया, जिसे परिजन जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद फिरोजाबाद रेफर कर दिया। युवक सुबह 6 बजे के करीब खेत से पशुओं के लिए चारा लेकर आ रहा था। वो जैसे ही घर के समीप पहुँचा ही था कि किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते गांव के कुछ लोगों ने गोली मार, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। वहाँ सब घर पे चारा लेके जा रहा था, घात लगा के लोगों ने गोली मार दी, निकलना वहीं से था उसके सामान मकान के। क्या नाम है उनका? जिन लोगों ने गोली मारी है? नहीं, जिनकी गोली लगी है उनका नाम क्या है? विक्रांत सनोप नाम नरेश। क्या घटना घटी उनके साथ में? वो अपने घर चारा लेके जा रहे थे, इनकी पहले से दुश्मनी चल रही थी, घात लगा के गोली मार दी। वो कौन लोग हैं? वो सभी अब उनका परिवार है पूरा वहाँ पे। ये घटना किस जगह की है? बिल्कुल उनके मकान के सामने मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। नहीं, कौन से गांव की? माड़ी की। माड़ी की। ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।